दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 15 सालों से सभी महत्वपूर्ण एग्जामों में जीके के रूप में वो क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसा दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हिस्ट्री लेवल इतिहास विभाग का, इतिहास भाग का। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि अगर आप हमारे साथ अभी तक हमारे सीरीज की सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक क्लिक करके आप वो वीडियो भी हमारी देखिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? भारत में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नरोज का परिवर्तन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। क्या किसने किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। आगे है क्वेश्चन नंबर थ्री, आगे क्वेश्चन नंबर थ्री है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों आप अभी तक अगर हमारे इस क्वेश्चन के साथ पेन और कलम लेके नहीं बैठे हैं तो दोस्तों आप मतलब कि प्रिडिक्शन कीजिए कि कितना क्वेश्चन का आंसर राइट दे पाते हैं। जितना दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर फोर, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने, क्वेश्चन नंबर फोर है, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर पाँच, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान महमूद। कौन था? सुल्तान महमूद। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, तुगलक वन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी तुगलक ने। आगे है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगमा। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगमा। आगे है क्वेश्चन नंबर एट है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में। हम्पी इसका वर्तमान में नाम इसका क्या है? हम्पी, कर्नाटक। कर्नाटक प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में विजयनगर के नाम से विख्यात था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर नाइन, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालिकोटा। क्या होगा? तालिकोटा युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। पतन मतलब समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर दस, आगे क्वेश्चन नंबर दस, दसवां क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, उस समय
दिल्ली का शासक कौन था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? निवासी पूछ रहा है, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना का। फरगना एक देश का नाम था, बाबर मूल रूप से फरगना का निवासी था। आगे क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है 13। निम्न में से कौन सा अकबर से संबंधित है? दीन ए इलाही, इबादत खाना, फतेहपुर और पानीपत का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। मतलब दीन ए इलाही भी एक व दो, इबादत खाना और 3, फतेहपुर। पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर से संबंधित नहीं है। पानीपत का जो युद्ध है वो अकबर से संबंधित रिलेटेड नहीं है, मतलब ये पानीपत का युद्ध अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15। सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर सी, 16वां क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध, मतलब विरोधी में, अकबर की सेना में सेना अध्यक्ष कौन थे? यही बात है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया या किसने बनाया? फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? अकबर। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई और आगरा शहर की स्थापना भी की? किस शासक ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई और खुद आगरा को एक नए शहर के रूप में स्थापना करके विकसित भी किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से पुनः दिल्ली बनाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से पुनः दिल्ली बनाई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 21? बाबर ने पहली बार किस युद्ध में तोप खाने का उपयोग किया था? किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल या उपयोग
किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का युद्ध। दोस्तों आपको बता दें पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों अब तक आपने कितना वीडियो, कितना आंसर, कितना क्वेश्चन का आंसर राइट सही किया है आप हमें ये भी कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे अगले वीडियो आने वाले वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 22, ताजमहल का डिज़ाइन डिज़ाइनर कौन था, या ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा ने। उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिज़ाइन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस इमारत में शाहजहां ने नहीं बनवाई थी, किस इमारत को शाहजहां ने नहीं बनवाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा को शाहजहां ने नहीं बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूटकर ले गया? ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूटकर ले गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह ने सन 1739 ईस्वी में तख्ते हाउस में वहाँ के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को लूटकर लेके गए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो आगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 26 है, सती प्रथा में भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे है 27, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक मार्ग कोलकाता से पेशावर तक का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30वां है, शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति ने। छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने धारण की थी 16 जून 1674 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ बनवाई?
कहाँ बनवाई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगढ़ में। कहाँ बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी राजगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री क्या कहलाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री क्या कहलाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा, पेशवा। ठीक है दोस्तों, आगे सिखों के दसवें व अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के दसवें गुरु व अंतिम गुरु कौन थे, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 34वां है, 34वां क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम किसने रखा, नाम रुपया किसने रखा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया रखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन है, कौन है या कौन था, सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन था, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव, कौन थे, गुरु नानक देव। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 37, आदि ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किस धर्म से संबंधित है, आदि ग्रंथ पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिख से, सिख धर्म का संबंध किससे है, आदि ग्रंथ नामक पुस्तक से। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 38 से 38वां क्वेश्चन है 1578 ईस्वी में राज अमृतसर की स्थापना किसने की थी, 1570 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास ने, गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक स्थान की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा कि पिछले अभी तो जस्ट पढ़ा हमने कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, वह सिखों के दसवें गुरु व अंतिम गुरु थे। और आज हम पढ़े, आज इस क्वेश्चन में हम बताने जानेंगे कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में, ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 40, 40वां क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलखान पठान ने कहाँ पर किया था। ये बात तो स्पष्ट हो गया कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, गुलखान पठान ने, पर कहाँ पर उसकी हत्या किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ गया था, नांदेड़ नामक स्थान में, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे जाटों के प्लेटों के रूप में जाना जाता है, मतलब जाटों का प्लेट किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरजमल को, सूरजमल व्यक्ति को जाटों का प्लेटों के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन है खजुराहो मध्य प्रदेश के निर्माण, मध्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था, जिसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी चंदेल के राजाओं ने, चंदेल के शासकों ने मध्य प्रदेश में खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक स्थान पर मंदिरों का स्थापना करवाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 43, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो हमने पिछले वीडियो में बताया था स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे है भारत पहुँचने
भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? भारत सर्वप्रथम भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्को डिगामा ने भारत भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, अथवा इसको हम वास्को डिगामा को ऐसे भी कहते हैं कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा ने किया था। दोस्तों अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, ये शायद शायद आपको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए, आगे की वीडियो में इसी टॉपिक पर ज़रूर बनाऊँगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध तो आपको मालूम होगा 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, लेकिन इस प्रश्नानुसार पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह और अब्दाली व मराठों के बीच किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 46 है प्लासी की लड़ाई, जो कि 23 जून 1757 में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके मध्य? नवाब सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक काल में यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल में भारत के साथ पुर्तगाली लोगों ने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, पुर्तगाल के लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। क्या होगा? केशव चंद्र सेन इसका यह वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 50वां और लास्ट आज का वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन। चेतक तो हमने दोस्तों देखा महाराणा प्रताप का था, तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो पवन। क्या नाम था? पवन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।